2024 के लिए अब सिर्फ कुछ ही महीने शेष बचे हैं। ऐसे में चर्चा नए साल के आने से ज्यादा अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर तेज हो गई है। सत्ता पर काबिज बीजेपी का गठबंधन यानी एनडीए एक बार फिर से तैयार है, तो वहीं विपक्षी खेमे में भी तैयारियां तेज हो चली हैं। नतीजन विपक्षी गठबंधन यूपीए का नाम बदल गया और इसे इंडिया कर दिया गया। इसमें देश के 26 राजनीतिक दल शामिल हैं, तो वहीं एनडीए में 38 दलों की सहभागिता है। ये एक तरीके का सर्कस है, इसमें प्रदर्शनों की करतबबाजी है, हंसी मजाक भरे तंज है और इसी के साथ साथ देश की जनता के लिए नए प्रतिनिधि को ढूंढने की जद्दोजहद है। ऐसे में एक सवाल सभी के मन में आ रहा होगा कि भाई ये लोकसभा चुनाव तो ठीक है, पर आखिर इस सब की शुरुआत कैसे हुई? मतलब कि आखिर आजादी के बाद पहला लोकसभा चुनाव कैसा था, कब हुआ था और क्या थी इसके पीछे की कहानी? जानना है तो वीडियो को पूरा देखिए। वो साल था 1952। देश को आजाद हुए अब पूरे 5 साल बीत चुके थे। चूंकि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो ऐसे में अब एक नए जनसेवक की तलाश थी। और इससे भी बड़ी बात, वो लोग जो आजादी की लड़ाई के समय साथ थे, उन्होंने भी सत्ता के मोह में कुछ नए दलों का निर्माण कर लिया था। मतलब कि कुल मिलाकर लड़ने वाले तैयार थे, जंग का मैदान भी सज चुका था, अब बस तैयारी थी महायुद्ध की। जैसा सोचा था हुआ भी वैसा ही। पंडित नेहरू वाली कांग्रेस इस चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज हुई और नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, मगर अन्य दलों ने भी कांटे की टक्कर दी। इस चुनाव में कांग्रेस को 364 सीटें मिली, तो वहीं इस चुनाव में निर्दलियों का भी जादू चला और 37 सीटें अन्य के खाते में गई। हालांकि विपक्ष के रूप में उभरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPIM और सोशलिस्ट पार्टी ने सिर्फ 16 और 12 सीटें ही हासिल की। बता दें कि ये चुनाव 26 राज्यों की 489 सीटों पर हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने 479 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस चुनाव में इलाहाबाद की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ा था। अब पूरी कहानी को समझ लेने के बाद कुछ जरूरी बातें जो आपके लिए जान लेना बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे 26 जनवरी साल 1950 जब हमारे देश को संविधान मिला था, उसको पूरी तरह समझने के बाद 25 अक्टूबर 1991 से लेकर 21 फरवरी 1992 तक पहले चुनाव के लिए मतदान हुआ। इस दौरान देश की आबादी करीब 36 करोड़ थी, जिसमें 17 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। इसके बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था, जो कि पूरे 5 साल तक सफलतापूर्वक चली, और 13 मई 1952 इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तारीख बनी जब संसद का पहला सत्र रखा था। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर इस दिन कई सांसदों को शपथ दिलाते हुए नजर आए। इसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए देखते रहे स्टोरी हाउ न्यूज और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ आखिरकार ऐसे कौन से वो टॉपिक्स हैं जिन पर आप जानकारी जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।